अगर हम आपको ये बताएं कि 11 साल का बच्चा इंजीनियरिंग के छात्र या स्नातक कर रहे छात्रों को डिजाइनिंग और ड्राफ्टिंग पढ़ा रहा है तो आप कहेंगे ये मजाक है। हैरान मत हो। हैदराबाद के एक स्कूल में 7वीं कक्षा के छात्र मोहम्मद हसन अली ने ये कमाल किया है। मैं मोहम्मद हसन अली हूँ। मैं 7th क्लास में पढ़ रहा हूँ। मेरी उम्र 11 साल का हूँ। मेरा स्कूल का नाम इंटीग्रल फाउंडेशन स्कूल है। मैं ये शाम के टाइम पे ना सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को डिजाइनिंग एंड ड्राफ्टिंग पढ़ाता हूँ। आप लोगों को मालूम होगा जो डिज़ाइनिंग क्या है। एक प्लान है सो इसको प्रोड्यूस करते हैं अपन प्लान बनने से पहले। क्या है वो करेक्ट है कि रॉन्ग है कि क्या क्या कोर्सेज तुम सिखाते रहते हो? मैं 2D 3D रिवित आर्किटेक्ट MEP स्टैट प्रो ईटैप्स कैटिया क्रियो सॉलिड वर्क ये सब तुम पढ़ाते हो। या तो अभी तुम्हारी उम्र इतनी छोटी है तो फिर ये सब सीखे कैसे? ऐसा इंटरनेट इज माय लर्निंग रिसोर्स। इंटरनेट से मैं ये सब सीखता हूँ। तो फिर ये तुम ग्रेजुएट्स को पढ़ाते रहते हो? या मेरे खून में टीचिंग है। कई बोले तो मेरे नाना मेरे आंटीस मेरे फादर पूरे टीचर है इसलिए मेरे खून में टीचिंग है। तो फिर तुम्हें कभी डर नहीं लगता टीच करने में? तो और तुम दूसरे स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते रहते हो मतलब? या कौन से किस को? सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। और एमटेक वालों को भी? एमटेक के स्टैट प्रो पढ़ाते हैं। एमटेक को ईटैप्स पढ़ाते हैं। अच्छा उन लोगों को भी आप पढ़ाते रहते? हाँ। तो फिर आप कुछ प्रोजेक्ट पढ़ाने वाले बोल के भी सुने थे ऐसा? वो फसाद के ना 370 लोगों करके जिन इनमें से मैं एक हूँ। पूरे इंडिया में? हाँ पूरे इंडिया में। अली के इरादे को सुनकर आप चौंक जाएंगे। उनका लक्ष्य 2020 तक करीब 1000 इंजीनियरिंग के छात्रों को पढ़ाने का है। एक्चुअली आई वाज वाचिंग ए वीडियो ऑन यूट्यूब अबाउट इंडियंस आर डूइंग ऑड जॉब्स इन कनाडा यूएस ऑस्ट्रेलिया। आफ्टर लर्न आई एम सो सरप्राइज दैट आफ्टर स्टडीइंग 16 इयर्स हाउ कैन दे डू ऑड जॉब्स इन यूएस लाइक दिस प्लेस। So I have started thinking what is that our engineers are lacking with. They are lacking with two things, technical and communication skills. So as my area of interest is design, so I started learning and teaching. I want to teach at least 100,000 engineers by the end of 2020. हालांकि वो किसी भी छात्र से पढ़ाने का पैसा नहीं लेते हैं। He's teaching quite good, his teaching is very good and understandable and his flow is also good. We are able to understand and learn many things. Ali is pure kaam ke piche apne nek irade par batate hain ki main is padhai ke badle koi paisa nahi leta kyunki ye ek tarah se desh ki seva hai. Is kaam mein mere mata pita mera pura sahyog dete hain. मैं ये स्टूडेंट्स को फ्री में पढ़ा रहा हूँ। मैं इंडिया के वास्ते कुछ करना चाह रहा हूँ। इंडिया टीवी डिजिटल की रिपोर्ट।